इनकी सिस्टर्स मैंने देखी थी, वो बिल्कुल इनसे मिलती है, बाकी ये भी मिलता है यार अच्छा खासा। मेरा नाम अशारब है, मेरा इरज, और हम सिबलिंग्स हैं, वैसे बहन भाई। हाँ। गुलजार भाई के हम काफी सॉन्ग सुनते आ रहे हैं और बिल्कुल मस्त सॉन्ग बनाते हैं, बिल्कुल फायर। तो आज हम उनके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, है ना? हाँ। तो भाई उनकी स्ट्रगल, उनके सॉन्ग, उनकी वाइफ तो भाई इधर, वाइफ का तो पता है हमें। हाँ। नहीं वाइफ नहीं है, एंगेज है ना अभी तक तो। उनकी फैमिली, उनकी कार, वो किधर रहते हैं, किस तरह रहते हैं, सब कुछ। तो रिएक्ट करने वाले हैं गुलजार छनी वाला लाइफस्टाइल। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। हरियाणवी गानों और डांस के लाखों दीवाने हैं, शादी से लेकर पार्टी तक में हरियाणवी गाने शान की तौर पर बजाए जाते हैं। जब भी हरियाणवी गानों की बात की जाती है तो गुलजार छानी वाला का नाम जरूर सामने आता है। गुलजार छानी वाला ने अब तक कई हिट गाने बनाए हैं। गुलजार सिंगिंग के साथ साथ गाने लिखते भी हैं और डायरेक्ट भी करते हैं। इनके गाने हमें अक्सर यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज में देखने को मिल जाते हैं और इनके सभी सॉन्ग्स पर मिलियंस में व्यू आते हैं। आज समय पर ये लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं गुलजार छन्नी वाला के लाइफ स्टाइल, बायोग्राफी, फैमिली, गर्लफ्रेंड, कार कलेक्शन, इनकम और नेटवर्थ के बारे में। गुलजार छन्नी वाला का रियल नेम आशीष शर्मा है, लेकिन ज्यादातर लोग इनको गुलजार छन्नी वाला के नाम से ही जानते हैं। गुलजार का जन्म 12 सितम्बर 1997 को भिवानी हरियाणा इंडिया में हुआ था और 2021 के हिसाब से इनकी एज हो चुकी है 24 ईयर। गुलजार नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन से हिंदू और कास्ट से ब्राह्मण हैं। गुलजार ने अपनी शिक्षा भिवानी के ही एक प्राइवेट स्कूल से प्राप्त की। गुलजार को बचपन से ही सिंगिंग करने का बहुत शौक था और ये स्कूल के टाइम से गाने कंपोज करने लगे थे, इसलिए इनके दोस्त इन्हें प्यार से गुलजार बुलाया करते थे और बाद में इन्होंने अपने गाँव का नाम छन्नी वाला जोड़कर अपना स्टेज नेम गुलजार छन्नी वाला रख लिया। गुलजार छन्नी वाला शुरू से ही अच्छे गाने लिखते थे और अपने दोस्तों को सुनाया करते थे। कुछ टाइम बीत जाने के बाद गुलजार के दोस्तों ने इनके गाने को स्टूडियो में रिकॉर्ड करने की सलाह दी, लेकिन गुलजार के पास पैसे नहीं थे। फिर इनके दोस्तों ने पैसे इकट्ठे किए और गुलजार छन्नी वाला को ऑनलाइन यूट्यूब पर अपलोड कर दिया और इनका फर्स्ट सॉन्ग यूट्यूब पर वायरल हो गया। इस गाने पर लगभग एक हफ्ते में 35 मिलियन से ज्यादा व्यू आए और आज के समय पर इस सॉन्ग पर 73 मिलियन से ज्यादा व्यू हैं। और इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट गाने बनाए, जिसमें कसूते, फिल्टर शॉट, कसूते टू, देसी विल्ड गेट, देसी पबजी, मेडल, युग युग जीवे, गॉड फादर, एमराज जैसे सुपर डुपर हिट गाने शामिल हैं। गुलजार ज्यादातर अपने सारे गाने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुलजार छानी वाला पर अपलोड करते हैं और इनके इस चैनल पर 6.8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। अब बात करते हैं गुलजार छन्नी वाला के फैमिली के बारे में। गुलजार छन्नी वाला की फैमिली की फोटो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं गुलजार छन्नी वाला के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। गुलजार की अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन गुलजार ने माही गौर के साथ सगाई कर ली है और बहुत जल्द वो एक दूसरे के साथ शादी के प्रवित बंधन में बंधने वाले हैं। अब बात करते हैं गुलजार छन्नी वाला के कार कलेक्शन के बारे में। गुलजार के पास एक बिलोरो कार है जिसकी कीमत इंडिया में 12 लाख रुपीस है। इस कार पे गुलजार ने बहुत सारे मॉडिफिकेशन करा रखी है और यह कार गुलजार की फेवरेट कार है, नंबर 2 फोर्ड इंडेवर। और इस कार की इंडिया में कीमत 36,50,000 रुपीस है और इस कार को गुलजार छन्नी वाला ने हाल ही में परचेज किया है। अब बात करते हैं गुलजार छन्नी वाला की इनकम के बारे में। अगर इनके इनकम की बात की जाए तो ये हर महीने 10 से 12 लाख रुपए की कमाई करते हैं। इसके अलावा ये ब्रांड प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप और स्टेज शो से भी अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। आप बात करते हैं गुलजार छानी वाला के फिजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में। गुलजार की हाइट 5 फीट 11 इंच और इनका वेट 65 kg है। आई कलर ब्लैक एंड हेयर कलर ब्लैक है। चलिए अब बात कर लेते हैं गुलजार छानी वाला के हॉबीज के बारे में। गुलजार की हॉबी है ट्रैवलिंग, सिंगिंग और डांसिंग। ये तो बिल्कुल पता है। गुलजार छन्नी वाला के बारे में बात करते हैं तो इनका करियर इनके फ्रेंड ने स्टार्ट करवाया था
यार यकीन करो फ्रेंड्स जो है ना बहुत आला चीज़ है यार। अगर आपको अच्छे मिल जाते हैं तो फिर आर पार है, सही। अगर आपको बुरे मिल रहे हैं तो बिल्कुल तबाह हो आप, है ना। ऐसी बात है, हमने भाई जीती जाती मिसालें देखी हैं भाई, फ्रेंड्स ने तबाह किया लोगों को और कुछ लोगों को तो भाई कहाँ पे पहुँचा दिया है। बिल्कुल, ये तो सही बात की है तुमने। हमारे अपने दादा यार हमें तो उनकी कभी स्टोरी आप लोगों को बताएंगे, हाँ, लेकिन फिलहाल नहीं। गोविंद नाम है और भाई है इनके। वैसे बेस्ट से मिलते नहीं है, इनकी सिस्टर्स मैंने देखी थी वो बिल्कुल इनसे मिलती हैं, बाकी ये भी मिलता है यार अच्छा खासा, मुझे तो नहीं लगता। तो इसी वजह से हम यार हर सॉन्ग में देखते हैं, जब भी ये गोविंद को गोली लगती है या फिर कोई दुश्मन वगैरह मार देता है ना, तो गुलजार छनी वाला का गुस्सा क्यों आता है भाई। तो हमें लगता है दोस्त है लेकिन ये तो भाई है। नाम की बात करें तो ये इनका रियल नाम नहीं है, अभी पता चला है हमें। हाँ, क्या बात है, गुलजार इनका रियल नाम नहीं है। तो गाइस अगर आपको रिएक्शन पसंद आया तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।